अमेरिका में, एंड द लार्जेस्ट ऑफ डैम इज़ अबाउट 84 मीटर टॉल, और इनमें से जो सबसे बड़ा जो है वो पाया गया है वो 84 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिपीटिंग जो है छोटे छोटे यूनिट स्मॉल यूनिट से बनती है, वो कौन सा है, सेल। सो यहाँ पे यही बताया गया है जो बॉडी है लिविंग थिंग्स की वो टाइनी यूनिट से छोटे यूनिट से मिलके बनती है जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्ट्रक्चर का और इसका फंक्शन होता है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रिपीटेडली ज्वाइन एंड गिव राइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेल मिलकर जब एक साथ मिलते हैं रिपीटेडली ज्वाइन होते हैं तब जो है इनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। और इन सेल्स को स्टूडेंट्स हम नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते, मतलब एज इट इज़ नहीं देखा जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ये सब जो होते हैं ना ये सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक है। और ये इतने छोटे होते हैं इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ पे एक आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से मिलकर बना होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ मैनी सेल्स, लेकिन लगभग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट्स उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है, और उनकी बॉडी में कम से कम मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इवन कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना स्टूडेंट उसमें 2000 मिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। और हर एक जो सेल है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है केमिकल का, और ये जो सब्सटेंस है लिविंग सब्सटेंस है उसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है केमिकल्स का दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक। नेक्स्ट इज समथिंग मोर, आई एम लिविंग द एक्टिविटी 2 एंड 3। सी समथिंग मोर, समथिंग मोर में स्टूडेंट्स क्या है, जो एग होते हैं, ठीक है, वो वन सेल्ड होते हैं, ठीक है, और जो सबसे बड़ा अंडा होता है स्टूडेंट्स वो ऑस्ट्रिच का होता है, जो कि कितने मेजर होता है इसका, 175 × 135 mm का मेजर होता है। और जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो कितनी होती है, 1 मीटर की होती हैं, ठीक है, 1 मीटर लंबी होती हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है वो अपनी जो लाइफ है ना स्टूडेंट्स वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर एबल टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो विदस्टैंड चेंजेस दैट अकर इन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो भी उनके आसपास चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनके साथ विदस्टैंड करते हैं, मतलब उनको बर्दाश्त करते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट कह सकते हो कि ढाल लेते हैं। दे कैन एडजस्ट टू एक्सेसिव हीट और कोल्ड, जैसे कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या सर्दी हो जाती है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एंड कैन बेयर द शॉर्टेज ऑफ वाटर और ऑक्सीजन थ्रू फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए पानी या फिर ऑक्सीजन की कमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये जो एबिलिटी है लिविंग थिंग्स की अपने आप को अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ढालने की स्टूडेंट इसको बोला जाता है अडेप्टेशन, ठीक है। एंड ऑर्गेनिजम्स कैन रिपेयर द डैमेज कॉज टू देयर बॉडी, और अगर इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जो है रिपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर भी फिंगर पे कट लग जाए तो आप देखोगे थोड़े दिनों के बाद जो है क्या होता है, न्यू सेल ग्रो हो जाते हैं और जो वो कट है ना वो ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी ट्री की ब्रांच जो है वो कट हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए तो नए सेल जो है स्टूडेंट ग्रो करते हैं और उस ओपन वुंड को कवर कर देते हैं, ठीक है। सो टिल हेयर यू हैव टू डू बुक रीडिंग एंड ट्राई दिस चेक पॉइंट, ओके।